Good morning children, this is video part 9 of class 8th maths, and in this video we are going to solve exercise 2.4. and by this video we are starting exercise 2.4. so in this video we are going to solve question number 1 and 2. तो यहाँ पर आप 1 और 2 जो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा और आपको इसे घर पर जो है सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अमीषा थिंक्स ऑफ अ नंबर. अमीषा जो है एक नंबर जो है वो सोचती है, और वो नंबर क्या सोचेगी? लेट्स सपोज दैट नंबर इज एक्स. वो नंबर क्या है? एक्स है. एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. इस नंबर से वो सब्ट्रैक्ट कर रही है 5/2. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्या लिख देंगे? इस नंबर में से एक्स 5/2 माइनस हो गया. अब क्या हो रहा है? सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8. ये जो रिजल्ट आया है ये पूरा, इसको क्या कर रही है? वो मल्टीप्लाई कर रही है बाई 8. तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? बाई 8 लिख दिया, राइट. द रिजल्ट नाउ ऑप्टेन. जो रिजल्ट अभी प्राप्त हुआ है हमें, ये जो रिजल्ट है ना, इस थ्री टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ. ये जो नंबर है, ये जो रिजल्ट फाइंड हुआ है, वो किसके इक्वल में है? वो थ्री टाइम जो उसने नंबर जो सोचा था, थिंक किया था, उसका थ्री टाइम है. मीन्स हम क्या कर देंगे? इक्वल में क्या लिखेंगे? 3x, राइट. सो दिस इज योर इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. और जो आप x की वैल्यू फाइंड करोगे वही जो है वो अमीना ने जो है वो नंबर थिंक किया होगा, ठीक है. तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है. मीन्स सबसे पहले आप क्या करोगे, जो x वाली टर्म है इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे. पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे बाय एलसीएम मेथड से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, बाद में जो है 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, और जितने भी नंबर्स दिए होंगे उसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे और वहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर, है ना. दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव नंबर है, मीन्स दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 5 टाइम्स है, राइट. अभी अगर हम लोग एक नंबर को x सपोज करते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5x, राइट, क्योंकि वो 5 टाइम है. अब आगे क्या बोल रहा है? इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर. अगर दोनों नंबर्स में हम 21 ऐड करते हैं, मीन्स +21 +21, then one of the new numbers becomes twice the other new number, ठीक है. जब हमने 21 ऐड कर दिया दोनों नंबर्स में, तो जो इसमें से एक नंबर जो होगा ना वो ट्वाइस होगा दूसरे नंबर से. अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये x है और ये 5x है, दोनों में हमने इक्वल नंबर्स ऐड किया हुआ है, तो ये जो नंबर है वो बिगर है और ये नंबर जो है वो क्या है? स्मॉलर है. तो अगर हम यहाँ पर 5x प्लस 21 लिखते हैं और इज इक्वल में x प्लस 21 लिखते हैं, तो ये दोनों नंबर तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये यहाँ पर x है और ये 5x है, राइट. तो यहाँ पर जो ट्वाइस करने को बोल रहा है, तो ट्वाइस आप किसको करोगे? इसको करो, ठीक है. जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मे बी ये जो नंबर है ना वो इसके सेम हो जाएगा, ठीक है. तो ये जो है आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, है ना. आपके पास दो नंबर्स हैं, एक एक्स है और एक 5x है. जो एक्स की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके, वो जो है आपका पहला सॉल्यूशन होगा, और फिर एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो सेकेंड न्यू नंबर होगा, राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट. थैंक यू.